गाइस सारी की सारी गाय लड़ाई कर रही है आपस में, कह रही है मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ना काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं, एंड जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि यार बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं लाइफ के अंदर और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ में जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और यार अब तो क्या ही बचा है, आप लोगों को पता ही है यार। एक तरीके से जैसे होता है ना कि यार ज़िंदगी की छत चली गई है ऊपर से, और क्या ही बोले इससे ज़्यादा ना, और ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हैं यार उस चीज़ के बारे में। तो ये यार बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ में जिसके बारे में ना तो मैंने कभी सोचा था, ना ब्रेन ने कभी सोचा था, ना पापा ने कभी सोचा था। ये सब एकदम से हो गया और यार मुझे नहीं पता यार ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। हर इंसान की एक अलग अलग थ्योरी है इस चीज़ को लेके। जैसे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि भगवान को यही मंजूर था, कुछ लोग बोलते हैं कि जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो भगवान उसको ले लेते हैं। मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपने जैसा कि देखा है वीडियोज़ के अंदर, मम्मी बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ में यार। मैं अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब बोलने के लिए ना वो शब्द ही नहीं है। आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा, एक्चुअली वो जितने भी वर्ड्स थे ना वो सब मैं डेली अभी भी लिखता हूँ आपको, जहाँ तक कि है ना हर वीडियो के एक एंड में मम्मी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड ज़रूर मिलेगा। बिकॉज यार मेरे को ना अब अंदर से ना इतना ज़्यादा वो हो गया है कि नहीं यार, अब तो कुछ भी करके कैसे भी करके अपने लिए नहीं जीना, अब सिर्फ मम्मी के लिए जीना है। बिकॉज मम्मी के बहुत बड़े बड़े सपने थे हमको लेके, भाई को लेके, मुझको लेके, और यार अब हमारे बीच में नहीं है, बट गाइज कहीं से तो हमें देख रही हैं, कहीं से तो उनको एक आस है हम पे। तो यार वो सारी चीज़ें पूरी करनी है। एंड गाइज जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा ना तो उस टाइम भी मैंने स्टार्ट नहीं करा था, मेरी मम्मी मेरे को फोर्स करती थी तू वीडियोज़ क्यों नहीं डालता, तू ये करा कर, तू वो करा कर, बहुत सारी चीज़ें थी जो मम्मी हमेशा बोलती थी। और यार वही एक रीज़न था कि मैंने इतना बड़ा एक फैसला लिया कि हाँ नहीं, हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, नहीं तो मेरी अच्छी भली चीज़ें चल रही थी। और मम्मी ने ना हमेशा मुस्कुराना सिखाया, कभी हमें ना कभी दुख, हालांकि ना सच बताऊँ मैं गाइज अभी भी मेरे को अंदर से रोना आता है चीज़ों को याद करके, बट मम्मी ने ना आज तक मेरे को ये नहीं बोला कि तू रो। मम्मी ने हमेशा बोला है कि कभी नहीं रोना, कभी भी नहीं रोना। जब भी लगे कि तुमको कुछ बुरा लग रहा है या तुमको गलत फील आ रही है तो एक बार मेरे बारे में ज़रूर सोचना, और कभी कोई गलत चीज़ नहीं करनी है लाइफ में। थोड़ा टाइम लग गया गाइस, 3 महीने लग गए खुद को संभालने में, और यार अब मेरी ना प्रायोरिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना अपने खुद को लेके कि भाई है छोटा बिरेन है बेचारे, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें बीतती है, उसको भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी है करनी है। बिकॉज यार देखो मैं तो बहुत बड़ा हूँ यार, मेरी तो जो एज थी ना वो निकल चुकी है और ब्रेन का ही है अभी जो भी है, तो ब्रेन के लिए तो यार सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और गाइज यहाँ तक कि ना मैंने अभी पूरा फैसला ले लिया था कि मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा, बट गाइज एक सिर्फ यही चीज़ है मेरे पास मेमोरी के तौर पर जिसके अंदर मैं अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देख सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास में। और सारी चीज़ों को अलग करके खुद से दूर कर लूँगा, बट मम्मी की ना वो बात ध्यान आ जाती है। मम्मी हमेशा बोलती थी कि कभी भी एक इंसान के जाने से फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए लाइफ के ऊपर, आपको कोमा लगा के उसके आगे का पार्ट कंप्लीट करना चाहिए। तो यार वही सारी चीज़ें याद है अभी, और बहुत सारी मेमोरीज है, मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हमें। और यार मेरे को तो लगता है यूट्यूब भी मम्मी ने सिर्फ इसीलिए ही बनवाया था ताकि जब वो हमारे बीच में ना रहे तो हम ये सारी चीज़ें देख के उनको याद कर सकें। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं हुई है, मैं अभी तक मैंने अपनी कोई पुरानी वीडियोज नहीं देखी है, मेरी हिम्मत नहीं होती है। मैं शूट पे था, लास्ट वीडियो जो हमने डाली है मैं शूट पे था, एंड हिम्मत नहीं थी मेरी कुछ भी करने की, मेरा मन भी नहीं था कुछ करने का। एंड ये जो भी मैंने खुद से लिखा था मम्मी के लिए वो सब मुझे पता है कि मैंने कैसे लिखा, और मुझे पता है वो मैंने कैसे रिकॉर्ड करा। तो बहुत सारी चीज़ें गाइज, हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। बिकॉज आज है 1 अप्रैल एंड गाइज मम्मी का आज बर्थडे है, एज अ ऑफिशियल बर्थडे जो मम्मी का होता था वो 1 अप्रैल को ही होता था, एंड हम लोग 1 अप्रैल को ही मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। मम्मी नहीं हमारे बीच में, हम केक वगैरह कट नहीं करेंगे बिकॉज वो खुशी तो रही नहीं,
लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हम करते थे हमेशा से। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं एक बार गौशाला, गौशाला में जाके मम्मी के नाम का दान करके आएंगे, गाय को गुड़ खिला के आएंगे। बस गाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मेरी मम्मी कहीं से भी देख रही है ना ये सारी चीज़ें, तो मेरे को उनको प्राउड फील करवाना है हर एक चीज़ को लेके, चाहे वो ये चीज़ हो या कोई और काम जो भी है मेरा जॉब से रिलेटेड या कुछ भी एक्स वाई जेड। बस मेरे को ना लास्ट मोमेंट तक, मेरी लाइफ के लास्ट मोमेंट तक मम्मी को वो चीज़ फील करवानी है जिसके मम्मी ने सपने देखे थे। तो गाइस अभी ना बस गौशाला चलते हैं और अपनी लाइफ की एक जर्नी जो कि हमने बीच में छोड़ दी थी उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एंड मम्मी अगर आप सुन रही हो, शायद मेरे साइड में खड़े हो, शायद मेरे पीछे खड़े हो, हमें नहीं दिख रहे हो, बट मैं आपको एक यही चीज़ फील करवाऊंगा कि मम्मी आपने ना एक बहुत ही अच्छे बच्चे को जन्म दिया था जो हमेशा आपका नाम करेगा, हमेशा हमेशा अपनी लाइफ के बिल्कुल एंड मोमेंट तक मैं आपको अपने आगे और अपने पीछे रखूंगा। एंड सच बताऊं तो मैं ना ऐसे कभी सोचता भी नहीं हूँ कि मम्मी हमारे बीच में नहीं है। मैं हर एक सेकंड फील करता हूँ उनको, सोचता हूँ कि नानी के गई हैं, सोचता हूँ कि कहीं बाहर घूमने गई हैं, आ जाएंगी। क्योंकि यार देखो एक यही ऑप्शन है मेरे पास में जिससे मैं उस चीज़ को फेस कर सकता हूँ। नहीं तो यार देखो ये तो बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और जिसके साथ में बीतती है ना उसी को पता होता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके फादर नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा परिवार ही नहीं है। बट हमें ना थैंकफुल होना चाहिए, जो कि मम्मी ने ही सिखाया कि हमें हमेशा भगवान का थैंकफुल होना चाहिए। हमारे पास जो है जैसा भी है सब उन्हीं की वजह से। तो गैस बस अभी चलते हैं गौशाला। सारी की सारी गाय लड़ाई कर रही है आपस में, कह रही है मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। गाइस डब्बों को ना ऐसे ही फेंक जाते हैं लोग यहाँ पे। अभी जैसे ये पॉलिथीन पड़ी है ना, ये उड़ के उधर चली गई ना तो गाय खा लेगी इसको, पेट खराब होएगा फिर ऐसे ही। तो यार प्रॉपर है ना, अगर ऐसे सारी चीज़ें करते हो ना तो प्रॉपर जो डस्टबिन है ना वहाँ पे डाल दो। देख सुन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है? अरे ये क्या है, बंदर गाइस, बंदर बंदर गौशाला में बंदर क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हो सर यहाँ पे? सर सर आपको बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, आपको ही। गाइस बंदर आ गए यहाँ पे। भाई ये बंदर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बंदर यही रहते हैं ये? अच्छा जी, सही है। तो गाइस अभी चलते हैं घर पे। एंड यार मैं लेट सिर्फ इसलिए होगा बिकॉज मैं बिरेन का वेट कर रहा था कभी ये स्कूल जाए और फिर हम दोनों साथ चले जाए। तो गाइज अभी ना घर पे पहुंच गए थे। एंड गाइज अभी ना हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू ना आगे करेंगे सारी चीजें बिकॉज यार अभी थोड़ा ना टाइम का भी इशू है, चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पा रही है और यार थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पता है। बट यार बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि भैया दोबारा से वो सारी चीज़ें करो बिकॉज यार फुल स्टॉप मत लगाओ। फिर यार बहुत सारी चीज़ें याद करी, मम्मी की सारी चीज़ें याद करी और वही सारे काम करने पड़ेंगे और यार मेरे को ये अब सब कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम का इशू है, वो सारी चीज़ भी जल्दी से ठीक हो जाती हैं फिर हम करते हैं सारी चीज़ें कंटिन्यू। तो गाइस बस मैं यही आशा करता हूँ आप लोग पूरा सपोर्ट दिखाओगे और मैं अब तक वो सारी चीज़ें वैसे ही पहुँचाऊँगा जिस तरीके से हम पहले पहुँचाते थे। और कभी भी हम अपने बीच में या अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं लेके आएंगे कि मम्मी हमारे बीच में नहीं है, मम्मी है, मम्मी हमारे साथ है, शायद कहीं पे गई हुई है और वो हमें ज़रूर मिलेंगी एक दिन। तो गाइस बस हम अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और बाकी की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए धीरू बीरू ब्लॉग्स। राधे राधे।
ये क्या कर रहे हो? गोबर लग गया भाई पैर में हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू।